हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जून का टाइम है और मार्केट में बहुत अच्छे और बहुत मीठे आम आ रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज हम एक डिज़र्ट बनाएंगे, वो है मैंगो क्रीम। साथ में नट्स और चेरी का कॉम्बिनेशन बहुत डिलीशियस लगता है। कोई भी गेट टुगेदर हो, ओकेज़न हो, तो आप ये डिज़र्ट बनाएं, 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। छोटे बड़े सब इसे बहुत पसंद करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो क्रीम बनाना। ये मैंने 3 आम लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब एक पीलर की हेल्प से मैंने पील करूंगी। पील करने के बाद मैं इन्हें छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। आप चाहें तो इन्हें बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, पर मैंने इन्हें छोटे टुकड़ों में कट किया है। मैंगो क्रीम में डालने के लिए काजू को मैंने आधा घंटा पहले ही पानी में भिगो दिया था। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सारे मैंगोज़ कट करने के बाद ये एक कटोरी मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ली है, वो आप इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो घर में बनी हुई क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। ये एक कटोरी मैंने चेरीज डाली है और साथ ही मैंने जो काजू भिगोए थे वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। आप काजू के साथ साथ और भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये एक कटोरी मैंने शक्कर डाली है, शक्कर की जगह आप किसी भी शक्कर भी काम में ले सकते हैं। इन सब को डालने के बाद आप इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। उसके बाद चेरी से आप इसे गार्निश करेंगे और इन्जॉय करेंगे ठंडी ठंडी मैंगो क्रीम। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।